जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन ऑयल वेस्टर्न रीजन DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूँ कि अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं मांगी है और इसमें 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी जान पाओगे और कैसे आपको अप्लाई करना है, जो कि ऑनलाइन माध्यम में किया जाएगा, वो भी आप इसी वीडियो के अंदर जान जाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि मैं इस भर्ती और अन्य भर्ती के बारे में टाइम टू टाइम यहां पर अपडेट लेकर के आने वाला हूं। तो अगर आपका नोटिफिकेशन ऑन होगा तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। और इस वीडियो के अंदर हम 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, मुझे आशा है कि आप जल्द ही इसको पूरा कर दोगे। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहां पर दोस्तों ये आप देख पा रहे हो वीडियो के अंदर स्किल इंडिया NAPS की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर इस भर्ती का जो अनाउंसमेंट है वो किया गया। आप देख सकते हैं आपकी पोस्ट का नाम डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्जन 2.0, इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट नेम है वो आप देख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन वेस्टर्न रीजन, ये आपका डिपार्टमेंट है। और जो आपकी यहां पर वैकेंसी निकाली है वो आप देख सकते हैं 10 निकाली है, जिस पर जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो आपको 6000 रुपये से लेकर के 9500 रुपये दिया जाएगा। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं मांगी है। इसके अलावा जो आपकी लोकेशन यानी कि जहां पर आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद पोस्टिंग होगी वो यहां पर आपको देखने को मिल पा रहा है। अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की क्वालिफिकेशन मांगी है। सेम जानकारी आप यहां पर मेरी वेबसाइट जॉब्स ज्ञान के ऊपर चेक कर पाओगे, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको यहां पर आना है, आने के बाद आप यहां पर प्रत्येक जानकारी चेक कर पाओगे, जैसे कि जो एज लिमिट है वो आपको यहां पर जानने को नहीं मिलेगी, बट मैंने यहां पर एज लिमिट आपके लिख दी है, जिसमें कि आप 18 से 24 या 25 साल की उम्र तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वैसे इसमें एज क्राइटेरिया कुछ दिया नहीं है, बट फिर भी इस एज तक के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग छूट भी दी जाएगी। सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता दूं, अगर इसमें ज्यादा मात्रा में कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो आपका रिटन टेस्ट होगा, नहीं तो फिर आपका डायरेक्टली इंटरव्यू जो स्किल टेस्ट है वो भी हो सकता है, या फिर आपका सिलेक्शन डायरेक्टली जो आप 10th के नंबर से अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मेरिट के ऊपर भी किया जा सकता है। तो कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, बट ज्यादा चांसेस यहां पर आपके मेरिट के एग्जाम के तो बहुत कम चांसेस है इसमें होने के। और फीस आपके यहाँ पर किसी के लिए कोई नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया आप लोग इसमें अप्रैल 2021 बेसिकली यहाँ पर आप अप्रैल के मंथ तक अप्लाई कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी जान ली है, आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अभी आपको अगर अप्लाई करना है तो कैसे करना है, आपको इसी वेबसाइट के ऊपर जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आना है। और अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो अच्छी बात है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन करना है, नहीं तो आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको बहुत ही सिंपल सी जानकारी भरनी है, और इस संबंध में मैं एक वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उसको वॉच करके इस वेबसाइट के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो कर लीजिएगा। तो यहां पर आपको आना है और आपको अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपका अकाउंट यहां पर लॉग इन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर फिर से आना है जो कि आपकी जॉब्स ज्ञान की वेबसाइट है, आपको यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस सेम तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। फिर यहां से आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद आप देखोगे कि अप्लाइड सक्सेसफुली। इसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो आप यहां पर राइट क्लिक कीजिए, डैशबोर्ड के ऊपर जाइए, डैशबोर्ड के ऊपर आकर के आप एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप देखोगे कि आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया, आपको ऊपर की तरफ जानकारी जानने को मिल जाएगी। जब आपकी मेरिट या फिर जो भी अगला प्रोसेस है वो हो जाएगा, आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो ये थी दोस्तों आपकी IOCL डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।